अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो में हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अरे की तमाम वैल्यूज को हमने सम लेना है और पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए हमने सम लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अरे बनाते हैं। अरे का नाम ARY रख लिया। 5 का हमने अरे बना लिया ताकि हम इजीली इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर सकें। इंटीजर टाइप का अरे बनाने के बाद हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। स्ट्राइक के साथ इन डायरेक्शन ऑपरेटर के साथ हमने एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाया। व्यूअर्स, पॉइंटर के वेरिएबल बनाने के बाद हम इसके अंदर पहले इंडेक्स का जो है एड्रेस स्टोर कर देते हैं ताकि इसमें पॉइंटर के जरिए वैल्यू इनपुट की जा सकें। इस पी को मैं इक्वल कर देता हूँ ARY के। जैसे ही हमने इक्वल किया, इसके अंदर पहले इंडेक्स का एड्रेस ऑटोमेटिकली चला गया। अब हम लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। आई हमने लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल बना लिया, फॉर लूप चलाई। व्यूअर्स, हमने 5 दफा लूप चलानी है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि हम पॉइंटर के साथ अरे को वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। अब हम आई को 1 असाइन करें, 10 असाइन करें, 5 दफा लूप चलनी चाहिए। 1 असाइन किया, 1 असाइन करने के बाद मैं आई लेस इक्वल टू 5 करता हूँ और आई प्लस प्लस। 5 दफा ये भी लूप चलेगी तो इसके अंदर आके हमने मैसेज देना है इंटर वैल्यू। मैसेज दिया इंटर वैल्यू। इंटर वैल्यू लिखने के बाद इन एलिमेंट मैसेज साथ दे देते हैं। इन एलिमेंट साथ हमने हैश सिंबल लगाया और उसके बाद मैं आई लिख देता हूँ। आई लिखने के बाद मैं एक बार फिर से इसके अंदर जो है वो कॉलन लगा, इसको मजीद डेकोरेट कर देता हूँ प्रोग्राम को। सी लिखने के बाद मैं एक्सर्शन ऑपरेटर लगाने के बाद इन डायरेक्शन ऑपरेटर के साथ पॉइंटर लिख दूंगा। इस पॉइंटर के अंदर पहली दफा पहले अरे के पहले इंडेक्स का एड्रेस है तो वो पहले इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो प्लेस कर देगा, रख देगा। उसके बाद हम अगले इंडेक्स का अरे के दूसरे इंडेक्स का एड्रेस इस पॉइंटर में लेने के लिए पॉइंटर जो है वो प्लस प्लस कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली अगले इंडेक्स का एड्रेस अपने अंदर रख लेगा। इस तरह हम क्या करेंगे, पूरे अरे के अंदर जो है वो वैल्यू पॉइंटर के साथ स्टोर कर देंगे। व्यूअर्स, जब ये लूप बंद हो जाएगी तो हम पूरे अरे को वैल्यूज असाइन कर चुके होंगे। वैल्यूज असाइन करने के बाद हमने क्या करना है कि सारी वैल्यूज का हमने सम लेना है, क्योंकि इंटीजर टाइप का अरे है, सम भी इंटीजर टाइप का होगा। सम स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सम नेम का, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि इसकी गार्बेज वैल्यू अगर कोई है तो वो खत्म हो जाए। व्यूअर्स, वीडियो की लेंथ कम रहा है इसलिए मैं इस लूप को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे कोड जो है वो दोबारा ना लिखना पड़े। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर आके थोड़ा सा चेंज ये करना है कि हमने वैल्यूज अब यूजर से नहीं लेनी। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस पॉइंटर। इस इंडेक्स पे, इसके पॉइंटर पे, इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसकी पड़ी हुई वैल्यू को उठाए और सम के अंदर सम करता जाए, फिर अगले इंडेक्स पे चला जाए, मीन के अगले इंडेक्स का एड्रेस उठाए अपने अंदर रख ले, एंड सो ऑन। व्यूअर्स, इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट इंडेक्स का एड्रेस ऑटोमेटिकली आता जा रहा है। जब ये लूप, पहली लूप, ये वाली लूप बंद होगी तो वो उसके अंदर आखिरी इंडेक्स का एड्रेस नहीं बल्कि उससे भी किसी और सेल का एड्रेस उसके पास होगा। हम दोबारा उसके अंदर पहले वाला एड्रेस देने के लिए, मीन के पहले इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें दोबारा से ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, पी इक्वल टू ARY। अब इस अरे का पहला इंडेक्स दोबारा से इस पी के अंदर आ गया और अब दोबारा हम हर इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू उठाते जा रहे हैं और सम के अंदर स्टोर करते जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे सम ऑफ अरे। सम ऑफ अरे मैसेज देने के बाद मैं क्या करता हूँ, सम की वैल्यू जो है वो शो करवा देता हूँ। प्रोग्राम को चलाते हैं, कह रहा है कि पहले इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करें, 12 एंटर कर दी, दूसरी वैल्यू 3 एंटर कर दी, ये कितना हुआ, ये 15 हो गया, 15 और 5 तीसरी वैल्यू, ये 20 है। चौथी वैल्यू मैं क्या एंटर करता हूँ, मैं 10 एंटर कर देता हूँ, ये मेरे पास कितना हुआ, 20 और 10 30 हुआ, 30 और 5वीं वैल्यू मैं 15 एंटर करता हूँ, ये टोटल सम मेरे पास कितना हो जाएगा, अरे का पूरा सम मेरे पास 80 हो जाएगा। उसने कहा कि सम ऑफ अरे इक्वल 80। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने एक अरे का सम कैलकुलेट किया पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए। व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।
नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।